ओके, दिस इज बैंक निफ्टी चार्ट। तो सबसे पहले ये समझते हैं हो क्या रहा और मैंने बुलिश पोजीशन क्यों बनाई है। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट कि हमने एक काउंटर बेट लिया है विच मे और मे नॉट गो रॉन्ग एंड इट्स अगेंस्ट द प्राइमरी मूव। अभी जो बन रहा है उसके अगेंस्ट है। अब वो लेने का रीजन क्या है, मैं जो देख रहा हूँ कि SBI गिरा नहीं उस तरह से जो गिरना चाहिए। अगर उसमें जरा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आनी थी तो इसको तोड़ना चाहिए, अभी तक नहीं तोड़ा है, हो सकता है सेकेंड हाफ में तोड़ दे। और हमारे हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस नहीं, ये आप अगर देखोगे तो ये मोर और लेस इट्स काइंड ऑफ कि एक ब्रेक डाउन फ्लैग एंड पोल जो मैंने अभी आपको बोला, ये एक फ्लैग है और ये एक पोल है जिसकी ब्रेक डाउन आ सकती है अगर नीचे तोड़ेगा तो। पॉइंट ये है कि अगर हमने हमारे को रिस्क लगा जरा सा भी, ये मैं फ्लैग एंड पोल की बात कर रहा था ये वाले, तो हमने यहाँ पे लॉन्ग इनिशिएट किया ये सोच के कि मार्केट एक कॉन्ट्रा मूव देगी। रीजन बीइंग कि प्रॉफिट बुकिंग आ नहीं रही है जिस हिसाब से आनी चाहिए थी। दूसरी बात ये है कि अगर आप प्राइवेट सेक्टर स्टॉक्स ये चार्ट देखोगे तो HDFC मतलब नॉट अ कन्विंसिंग शॉर्ट काइंड ऑफ मार्केट दिख नहीं रही है मुझे यहाँ पे। तो एंड पॉइंट जो मेन पॉइंट बन रहा है अपना कि यहाँ पे अगर हमने लॉन्ग लिया तो हमारा RR बहुत ही फेवरेबल है, और लेट्स से कि अगर हम फेल हो गए अपने लॉन्ग्स में तो हमारे पास स्टॉप लॉस बिल्कुल टाइट है। टाइट मतलब कि जो अगर यहाँ से रिवर्सल आया तो इट इज गोइंग टू बी वेरी फास्ट रिवर्सल एंड सीधा आपको लाइफ टाइम हाई टच करेगा। अगर आप कैश में देखोगे इसमें फ्यूचर्स में तो फ्यूचर प्राइस अभी भी दूर है उस हाई को टच करने से बैंक निफ्टी का। तो एक तो ये लग रहा है, दूसरी बात है कि हम बैंक निफ्टी में काफी अहम सपोर्ट पे बैठे हुए हैं। अगर मैं आपको चार्ट से दिखाऊं तो शो थ्रू चार्ट बोलो। आई एम गोइंग टू शो यू थ्रू चार्ट। व्हेनेवर आई टेक जूम टेलीग्राम ऑलवेज हैंड्स। सो इफ आई शो यू दिस चार्ट कि बैंक निफ्टी एक सपोर्ट पे है। अभी बहुत लोग बहुत तरह के कैंडल्स की बात कर रहे हैं, ये बियरिश है बियरिश है, लेकिन व्हाट आई कैन सी और अंडरस्टैंड इज कि दिस इज काइंड ऑफ ब्रीदर कैंडल। इफ यू विल सी एक ब्रीदर ज्यादा लग रहा है रेदर देन बियरिश। कोई सांस ले रहा है, एक लंबे रनअप के बाद एक प्राइस सांस ले रहा है एक ही रेंज में। और एज पर ट्रेंड जैसा मैं अभी दिखा रहा था, अगर इसको मैं 15 मिनट 30 मिनट कुछ भी करूं हाइयर टाइम फ्रेम पे करूं तो हमने अभी तक लो कट नहीं किया। तो हमें शॉर्ट जो सोचना चाहिए दैट वी शुड थिंक बिलो दिस लेवल, या फिर आप यहां से एक ऐसे ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो विच कम्स अराउंड इफ आई डू लाइक दिस। अच्छा, माय पोजीशन हैज कम इन प्रॉफिट एज वेल। तो अगर हम यहां से देखें तो ब्रेक डाउन बहुत ही पास है। तो अगर लेट से मेरी ट्रेड गलत गई तो हमारे पास रिस्क आज के लिए बहुत कम है, क्योंकि अगर आप उस ग्राफ को देखोगे आप सेम स्ट्रेटेजी डाल के तो इंट्राडे में इट्स नॉट गिविंग मच लॉस हार्डली एट दैट स्केल, उस स्केल की मैं अगर बात करूं तो। और अगर ब्रेक डाउन दे दिया तो हम अपने बाइंग लेग को काट के सिर्फ सेलिंग लेग को लेके चले जाएंगे। तो स्ट्रेटेजी का ये एक कंसेप्ट है यहाँ पे काउंटर प्ले करने की। दूसरी बात है कि आप हाइयर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो डोजी 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 कांस्टेंट डोजी बन रहा है। देयर इज अ हाई प्रोबेबिलिटी कि हमें कहीं एक शॉक एक सरप्राइज अप मूव ना दिख जाए रेदर देन डाउन मूव। मोस्ट ऑफ द TA मोस्ट ऑफ थिंग इज सजेस्टिंग कि यार एज पर TA इट शुड गो ब्रेक इट शुड गो डाउन एंड दैट्स द वन रीजन आई एम टेकिंग अ कॉन्ट्रा बेट सीइंग की ओवरऑल पिक्चर जो दिख रहा है वो लग रहा है कि एक बुलिश है। अब इसमें मोमेंटम कब आएगा, मोमेंटम के लिए अगर आप देखोगे तो आप यहां से यहां तक के रिट्रेसमेंट निकाल लो। जैसे ही प्राइस 61% के ऊपर जाएगा तो आपको एकदम फास्ट सा मोमेंट एकदम फास्ट एंड फ्यूरियस मोमेंटम आ जाएगा। तो
तो अभी चल रहा है 0.5 पे, 43,765 इज 61.8%। द मोमेंट इट ब्रेक्स इट इज गोइंग टू गिव यू सॉलिड अप मूव, दिख जाएगा आपको आज आदमी। अगर आप अभी देखोगे तो वी टुक आई टुक दिस गो इन टेलीग्राम एंड जस्ट सी द स्ट्रेटजी। मेरी बाइंग 145 की चल रही थी, दैट इज रनिंग नाउ एट 1567। मेरी सेलिंग जो मोर और लेस द स्ट्रेटजी हैज कम इन प्रॉफिट एज ऑफ नाउ एज पर माय एंटोमिन बकेटिंग। तो सिंपल सा है, कॉन्ट्रा बेट लिया हमने अगेंस्ट द सेंसस वेयर एवरीवन वाज गोइंग बेरिश। वी टुक अ बुलिश इंस्टेंस थिंकिंग कि ओवरऑल ट्रेंड मार्केट का ऊपर चल रहा है और हम एक हेज्ड स्ट्रेटजी लेंगे। इफ आई गो राइट, लेट्स से कि मैंने 44,400 ही क्यों पकड़ा रेजिस्टेंस, हर चीज का एक लॉजिक होता है, तो मैं वो भी दिखा देता हूँ आपको। देखो अभी तो ब्रेकआउट आ गया 61% के तो ऊपर आ चुका है एंड एमटीएम अब रोड कर गया। यू कैन सी इट, बहुत ही मतलब इट वाज अ वेरी सिंपल थिंग फॉर मी टू डू, टुडे बोल रहा हूँ यार। लेट मी कम बैक ऑन जून, इट्स बहुत ज्यादा हैंग करता है ये।